गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आप लोग कैसे हैं आई होप अच्छे ही होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे अपनी केयर कर रहे होंगे तो मैं आज जितनी भी लेडीज़ हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कमाई बहुत ज़रूरी है अपने लिए खुद के लिए अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है थोड़ा बहुत भी इनकम बहुत ज़रूरी है खुद की जो आपने खुद से जनरेट किया जो आपने खुद कमाया हो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आ, क्या होता है कि देखिए काम जो भी है हम लेडीज़ वग़ैरह हम लोग दिन के पूरे दिन दिन से लेकर रात तक हम लोग जो काम करते हैं ठीक है वो तो हमारा काम है ही है है ना और उसके अलावा हम लोग खत्म नहीं होते हैं मतलब ये करना है अब ये करना है अब वो करना है तो मैं ये बोलूँगी आप लोगों तो से कि जो भी है जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम को क्यों आप वेस्ट कर रहे हैं मतलब क्यों आप उस समय को ऐसे ही जाने दे रही हैं अगर आप आज से ही कुछ स्टार्ट करती हैं मेरा मतलब ये है कि अगर आप आज से कुछ भी अगर आप मतलब कहने का है कि दस बीस तीस रुपए देखिए इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं बहुत कम कमाती हूँ या मैं एक हाउस वाइफ हूँ मैंने ये नहीं कर रखा मैंने वो नहीं कर रखा मैंने मेरे पास इसका डिप्लोमा नहीं है मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है मैं नहीं कर सकती हूँ आज के टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठ के अपने फ़ोन से पैसे कमा सकते हैं आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा एक दो साइट देखनी पड़ेगी थोड़ा बहुत ट्राई करके देखना पड़ेगा उन कामों को और बहुत इजी हैं बहुत मतलब ऐसा आप घर बैठे मार्केटिंग कर सकते हैं आप घर बैठे कोई भी चीज़ बेच के आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं वो आपको सर्च करना पड़ेगा देखना पड़ेगा और अगर आप थोड़ा बहुत भी कमाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये इससे क्या होगा या इतना लेकिन आप ये देखिए कि उसमें आपको चीज़ें आगे आगे आपको उसी में लाइन मिलती जाती है आपको और भी चीज़ें मिलती जाती है जब हम किसी एक काम को करते हैं तो हमारे सामने और और ज़्यादा रास्ते मतलब नज़र आने लगते हैं फिर हमको देखिए चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो चाहे आपको बुनाई अच्छी आती हो चाहे आपको बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना आता है मतलब जो भी चीज़ें आपको आती है आप देखो कि मुझे ऐसा क्या आता है और क्या मैं ऐसा दो घंटे या तीन घंटे अपने पूरे दिन में से अगर दो तीन घंटे दे सकती हूँ तो ऐसा कौन सा काम है और किस में मैं पैसे किससे मैं कमा सकती हूँ छोटी छोटी जो जो हम लोग सोचते हैं ना कि ये छोटे छोटे इनसे हमारा क्या होगा या यही बात मतलब यही पैसे बहुत अच्छे मतलब आपकी आपको कम से कम ये फील तो होगा कि यार ये मैंने खुद से कमाए हैं ये मैंने खुद से जोड़े हैं या आप सेविंग ही करो उनको चाहे आप खुद पे ख़र्च करो चाहे आप बच्चों पे खर्च करो चाहे मतलब उन पैसों से आप कुछ भी कीजिए लेकिन थोड़ा बहुत आप अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए आपके लिए आपके फैमिली के लिए और आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता मतलब नजर आएगा आपको आप खुद एक सोचोगे कि हाँ यार जब आपके हाथ में वो पैसे आते हैं ना जो आपने खुद से कमाए होते हैं तो एक अलग ही आपको प्राउड फील होता है कि हाँ यार ये मैंने कमाए और अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए किसी से भी कि ठीक है कोई दस हज़ार पाँच हज़ार कोई पंद्रह बीस जो भी लेडीज़ जो जॉब कर रही हैं और जो हाउस वाइफ है वो हमेशा अपने आप को ना कम आकती हैं कि यार मैं तो इस लाइक नहीं हूँ और वो तो कमा रही है वो तो ये कर रही है आप भी किसी से कम नहीं है तो आप घर के साथ साथ आप बाहर नहीं जा सकती हैं आप बाहर जा जॉब नहीं कर सकती हैं घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी वो भी निभाती हैं आप भी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक माइंड सेट होता है किसी किसी लेडीज़ का माइंड ऐसा होता है कि नहीं मुझे बच्चे देखने हैं मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं और कुछ जो लेडीज़ हैं वो ये सोचती हैं नहीं यार मैं जॉब और दोनों ही अपनी जगह सही हैं क्योंकि एक बार जब आप इन करने लगते हो ना जब आप एक बार जब आप आपको इनकम आने लगती है और अच्छी खासी इनकम आती है तो एक बार माइंड में आता है कि यार बच्चे देखूं कि आ, मैं अपनी जॉब देखूँ या बच्चे देखूँ है ना तो दोनों ही चीज़ों को आ, बिठा मतलब दोनों ही क्योंकि सात आठ घंटे आपको बाहर घर से बाहर जाना है तो आपको बच्चे तो या तो किसी के पास छोड़ने पड़ेंगे या तो कोई घर में कोई होगा जो सपोर्ट करेगा आपको जो बच्चों को देखेगा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक आ, कमाने वाली एक जो जॉब जा रही है जो लेडीज़ और एक जो घर पर है तो दोनों ही अपनी जगह सही है क्योंकि दोनों को दोनों का माइंड सेट है कि ठीक है किसी को बच्चे को टाइम देना बहुत सही लगता है कि मैं बच्चों को समय दूँ और उसके उसके साथ साथ मैं कुछ भी काम करूँ और कुछ है, है उनकी अच्छी उनकी सैलरी पैकेज अच्छा होता है तो थोड़ा सा मन में आता है लाला चाहिए जाता है कि ठीक है यार ये अगर मैं ऐसे घर में रहूँगी तो ये भी छूट जाएगा और हमारी जो पढ़ाई लिखाई इतनी करी हुई है देखिए फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप कितना कमाएंगी या आप कितना कमाती हैं या आप कितनी एजुकेटेड हैं कितनी पढ़ी लिखी हैं ये सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी इतनी है कि आप हर वो काम कर सकती हैं ऑनलाइन बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकती हैं मतलब आप अगर सोचें कि मुझे बाहर जाके ही कुछ करना है या पहले ख़ुद में देखिए कि आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ है मतलब क्या है आप आप बहुत अच्छा मार्केटिंग कर लेते हो या फिर आपको कुछ सिलाई का सिलाई वगैरह का आपको काम आता है या आप कर सकते हो थोड़ा बहुत भी सीख के तो कुछ ऐसे काम देखिए चाहे मैं कहती हूँ इन सब चीज़ों के लिए आप दो घंटे निकालिए एक दो घंटे निकालिए धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए कहने का मतलब है आज से ही धीरे धीरे उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए जो देखो जो जिनकी जॉब है जिन लड़कियों की जॉब है वो तो जॉब कर ही रही हैं बट जो नहीं कुछ कर रही हैं ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है उन लेडीज़ के लिए है जो घर में काम करती हैं और बच्चे संभालती हैं तो उनको थोड़ा सा अपने अपने आप को थोड़ी सी अपनी अर्निंग चाहें आप कितना भी अच्छा है आपका सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत अर्निंग पे ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा चाहे मैं कहती हूँ आपके हज़ार रुपये दो हज़ार रुपये तीन हज़ार रुपये जो भी हो महीने में जो भी आए लेकिन उससे क्या है कि आपके अंदर बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसी उसी में आप आगे जाइए और आगे जा मतलब जो जितना आप जिस चीज़ को टाइम देंगे बस यही है कि उस उस चीज़ों में बन के मत रह जाइए उन कामों में मतलब आपके जो घर के काम हैं देखिए वो वैसे भी होंगे और आप आप चाहें तो उसको दो घंटे में भी निपटा सकते हैं चाहें तो आप चार घंटे में भी उसको काम को ख़त्म नहीं कर सकते काम होते ही इतने और शायद मैं देखूं तो सुबह से लेकर रात तक काम ही चलता रहता है मतलब अगर आप सोचें कि ठीक है मैंने ये काम तो कुछ और काम कुछ और काम तो अगर हम लोग चाहें तो पूरे दिन हम काम ही कर सक कर रहे, काम ही होता है बट उन्हीं कामों को थोड़ा सा मैनेजमेंट कीजिए उन्हीं कामों को कि मुझे कितना समय किस काम के लिए देना है और ऐसे करके आप कुछ टाइम निकाल पाएंगी और निकाल कर आप खुद की अर्निंग पर ध्यान दीजिए कुछ भी करें थोड़ा बहुत भी कमाएं लेकिन कमाएं ज़रूर Thank you so much.